राजा सिंह को सस्पेंड करके आज फिर उनके लाके रिवोक करके सस्पेंशन, इसमें ही इनका चित्त शुद्धि कितनी है तो दिख रहे ना। आज हमारे महिला बीजेपी सरकार जहाँ जहाँ पे है माइनर रेप हो रहे वो कोई भी नहीं कर रहे, बीआरएस के एमएलएस बीजेपी के एमएलएस ये लोग ही कर रहे, उनके कार्यकर्ता और उन लोगों को पना देने वाले ये पीएम मोदी है। मोदी सरकार कैसे है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा के आज हमारी बेइज्जती करते हुए अत्याचार कर रहे, वहाँ पे किसी चीज पे एक के भी ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज हुआ तो हमारा रक्षा कौन करता? आज कांग्रेस पार्टी का एमएलए ऐसा नौबत था क्या, बेशर्मी की नौबत है, प्राइम मिनिस्टर मोदी उनका रिवोक कैसा करता? कैंडिडेट को क्यों 33% का बात करता है मोदी, तो औरत बच्ची को क्यों ये मुकाम पे खड़ा नहीं कर रहे बोलिए? और 33% का वुमेन रिजर्वेशन बिल भी जो लाया वो दिखावे के लिए लाया, सही भी देखे गए तो 30-40 सीट आती थी। अब चित्त शुद्धि है तो उसका सस्पेंशन उठाने की जरूरत नहीं है मोदी की, बीजेपी से एक औरत बच्ची को देना था सीट, हाँ मानते थे हम लोग 33% का उन्हों ख्याल रखे, मगर फिर यही गुंडागर्दी करो बोल के राजा सिंह को लाए, तो इस बार बड़े से बड़ा टक्कर बराबर इंशाल्लाह मैं देती यहाँ से कांग्रेस से महिला कांग्रेस से एक महिला को पहली बार टिकट सोनिया गांधी जी ने दिए और बराबर हम लोग यहाँ से जीत के बताएंगे और राजा सिंह को कोई वोट नहीं देंगे बोल के हमारी बहने पूरे बोल। मैडम कुछ कांग्रेस नाराजगी कुछ भी नहीं है, सब एस्पिरेंट्स है और कांग्रेस पार्टी से एक महिला को देने से उन लोग सब खुश है, नाराजगी माने नहीं वो बात भी बता तू भैया। मैं खैरताबाद से डाली थी, वहाँ पे मैं खैरताबाद से चुनाव लड़ने के लिए मैं एप्लीकेशन डाले, मगर हमारे हाई कमांड को ऐसा चीज नारी शक्ति बढ़ाने के लिए मैंने बोले ना 33% इनका आई वॉश है, एक महिला को आगे बढ़ाना चाहिए और वो भी गोशा मेल से मेरे को टिकट देना, सही भी मैं बहुत खुश हूँ और हमारे भाइया भी हमारे से आके मिले, कोई भी नाराज नहीं है, सब भाई से मैं जाके मिली और सब भाइया भी आने वाले कल में मेरे साथ में काम करें। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अल हिदाया हज एंड उमरा सर्विसेज, सूरत खजाना एंड बाय महाराजा रेस्टोरेंट बिसाइड एपीएफसी कमानगंज।